हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नीलू बुटीक चैनल। आज हम आप लोगों से बहुत ही अच्छा बेस्ट न्यूज आइडिया लेके आए हैं फ्रेंड। अगर आप लोग के पास भी पुराने सूट हो और आप उसे फेंकने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत फेंकिएगा और ये हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, हमारे पास एक पुराने सूट है जिसे हम यूज कर रहे हैं। हम सूट को पूरा फैला लेंगे और जो नीचे का फोल्डर होता है, नीचे का जो मोटा है, उसे हम कट करके साइड कर देंगे। लेस हो या पैपिन हो, जो भी, उसे कट करके हम अलग कर देंगे फ्रेंड्स। अब हम इसका मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट हम ले रहे हैं 15 इंच लंबाई। दोनों साइड से हम 15 इंच करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसे कट कर देंगे। अब जो साइड से जो है उसे भी हम कट करके साइड कर देंगे। अब देखिए, इसका भी लंबाई चौड़ाई 15 इंच है। स्क्वायर के जैसे हम ले लिए हैं। अब जो नीचे का है उसे हम सिल लेंगे, स्टिच कर देंगे नीचे साइड में। एक साइड हम सिल लेंगे। देखिए, सिल लिए फ्रेंड्स। अब हमारे पास गेहूं, चावल, आटे की प्लास्टिक की बोरी तो होगी ही, फिर हम उसे रीयूज करेंगे। देखिए, हमारे पास एक प्लास्टिक की बोरी है जिसे हम उसके बराबर रख के फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके उसे हम कट कर लेंगे। अब हम एक अस्तर लेंगे। अस्तर के लिए हमारे पास एक दूसरा कपड़ा भी, कोई सा भी कपड़ा, आप जो अस्तर के रूप में बचा हुआ कपड़ा हो, कोई सा भी कपड़ा आप अस्तर के रूप में ले सकते हैं फ्रेंड्स, पुराने कपड़े। देखिए, हम अस्तर के रूप में एक अस्तर के लिए कपड़ा लिए हैं, जो फैब्रिक के ऊपर बराबर हम रख के उसे भी कट कर देंगे। साइड में रख देंगे। अब हम जो प्लास्टिक की बोरी कट किए हैं उसके ऊपर हम फैब्रिक, जो सूट का कपड़ा है, उसके ऊपर रख के हम उसके बराबर चारों तरफ हम स्टिच कर देंगे। सबसे पहले हम स्टिच करेंगे। आइए फ्रेंड्स, हम स्टिच करके आप लोग को दिखाते हैं। चारों तरफ हम इसे स्टिच कर देंगे अच्छे से। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम साइड कर देंगे, फिनिश कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को, कट करके साइड कर देंगे।
चारों तरफ से हम एक्स्ट्रा कपड़ों को कट करके फिनिश कर देंगे, जिससे फैब्रिक में सफाई आ जाएगी। अब हम ऊपर से 4 इंच पे निशान लगाएंगे, दोनों साइड पे हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी, और हम उसे कट कर देंगे। दूसरे साइड में भी नीचे टाइप नीचे भी 4 इंच का निशान लगा के उसके बराबर जो हम कट किए कपड़े उसके बराबर हम रख के उसे भी कट कर देंगे। अब हम चैन स्टिच करेंगे, दोनों साइड पे हम चैन लगाएंगे। पहले एक साइड पे हम चैन लगाते हैं फ्रेंड्स, चैन स्टिच करेंगे। एक साइड पे लगा के हम उसे प्रेस स्टिच कर देंगे, फिर जो हम कट किए हुए कपड़ा है उसके ऊपर रख के हम उसे भी जोड़ देंगे चैन में। जो पतला पट्टी 4 इंच का हम कट किए हैं उसे हम चैन के ऊपर रख के स्टिच कर देंगे। फिर इसे भी प्रेस स्टिच कर देंगे। अब हम इसमें रनर लगाएंगे। रनर लग गया। अब इसी प्रकार हम दूसरे साइड में भी चैन स्टिच करेंगे और प्रेस स्टिच करेंगे और रनर लगाएंगे, पट्टी को जोड़ देंगे उसमें, जो हम 4 इंच का पट्टी कट किए थे इसमें भी जोड़ देंगे दूसरे साइड में भी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, जरूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी। फ्रेंड्स और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पर मिलती रहे। अब हम इसमें रनर लगा देंगे। अब हम जो अस्तर कट किए हैं उसे हम फैब्रिक पे रख के चारों तरफ से स्टिच कर देंगे अस्तर को। स्टिच करने के बाद बीच में भी हम एक लाइन स्टिच कर देंगे, जिससे 2 पैकेट तैयार हो जाएगा, 2 पैकेट बन जाएगा। अब एक्स्ट्रा कपड़े जो साइड से बचे हैं कपड़े उसे सब हम कट करके फिनिश करेंगे, साफ करेंगे फैब्रिक को।
देखिए कितना अच्छा दो पॉकेट बन गया, स्पेस भी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। अब हम उसे फोल्ड करेंगे, उल्टा फोल्ड करेंगे। उल्टा फोल्ड करने के बाद हम 2 इंच लंबाई 2 इंच चौड़ाई पे हम कॉर्नर पे कट करेंगे, चारों दो कॉर्नर पे नीचे साइड में हम कट करेंगे। कट करने के बाद वही हम दूसरे साइड में रख के उसके बराबर हम कट कर लेंगे। अब हम ऊपर साइड में 2 इंच लेंगे, 2 इंच निशान लगाएंगे। दोनों साइड में ऊपर साइड में हम 2 इंच निशान लगाएंगे और नीचे तक उसे मिला देंगे ऊपर से, और उसे हम कट करके साइड कर लेंगे। दोनों साइड से हम ऊपर से कट कर लेंगे। अब सूट से बचा हुआ जो कट किया हुआ कपड़ा है उससे हम पट्टी निकालेंगे, जिससे बेल्ट के लिए हमारे पास जो कपड़े बचे हैं उसमें से हम बेल्ट के लिए कपड़ा कट करेंगे। इस 4 इंच हम बेल्ट के लिए कपड़ा कट किए हैं पट्टी, उसे एक दूसरे से जोड़ देंगे और लंबा पट्टी तैयार करेंगे, बेल्ट तैयार करेंगे। अब इसे फोल्ड करते हुए हम बेल्ट बनाएंगे लंबा पतला। फिर बीच से हम कट कर देंगे, 2 बेल्ट बन जाएगा। अब हम फैब्रिक लेंगे, फैब्रिक को हम 3 इंच साइड से 3 इंच दूसरे साइड से हम ऊपर की तरफ दोनों तरफ निशान लगाएंगे, 3-3 इंच पर। अब हम निशान जहां लगाए हैं वहां बेल्ट को रख के स्टिच करेंगे, दोनों साइड पे स्टिच करेंगे, पहले ऊपर एक साइड पर फिर दूसरे साइड पर भी हम बेल्ट रख के जहाँ निशान लगाए हैं 3 इंच पे फ्रेंड्स वहाँ हम बेल्ट रख के स्टिच करेंगे। अब हम इस पे चैन स्टिच करेंगे। चैन लगाने के लिए फ्रेंड्स आप लोगों से हम पहले शेयर कर दिए हैं, चैन लगाने के बाद प्रेस्टिज करना है फ्रेंड्स, फिर इसमें रनर जोड़ देना है। प्रेस्टिज करना ज़रूरी है क्योंकि प्रेस्टिज नहीं करेंगे तो आप लोग की चैन ख़राब हो जाएगी, रनर उसमें फंस जाएगा, इसलिए प्रेस्टिज करना ज़रूरी है। आप लोग फ्रेंड्स प्रेस्टिज ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए चैन जोड़ के हम खोल लेंगे, फिर इसे प्रेस्टिज कर देंगे।
अब हम इसमें रनर लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, रनर लग गया। अब हम इसे उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद सबसे पहले हम साइड से स्टिच करेंगे, दोनों साइड स्टिच करेंगे। फिर जो कोना है, कॉर्नर है, उसे स्टिच करेंगे। दोनों कॉर्नर को हम स्टिच करेंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फाइनल लुक दिखाते हैं आप लोगों को। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, वाओ कितना सुंदर हैंडबैग बना है फ्रेंड्स, पुराने सूट से। आप लोग जिसे फेंकने की सोच रहे हो, उस सूट से देखिए कितना सुंदर, कितना बेस्ट यूज आइडिया हम आप लोग को बताएं। फ्रेंड्स, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी। जो लोग नए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। बाय बाय।